मिजोरम असम बॉर्डर पर ऐसी मुस्तैदी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। सीआरपीएफ के कछार जिले के इस हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। कछार जिले का ये वही लैलापुर थाना है जहां 26 जुलाई को दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई थी। दो राज्यों की पुलिस के बीच उस खूनी संघर्ष का अंजाम रहा असम पुलिस के 6 जवानों की शहादत। लेकिन 5 दिन बाद भी उस घटना से सबक सीखने का कोई इरादा नहीं दिख रहा। दो राज्य, दो सरकार, दो पुलिस एक दूसरे से हिसाब किताब बराबर करने में लगी है। कैसे, इसकी वानगी आपको दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर मिजोरम में FIR दर्ज होती है। मिजोरम पुलिस IG DIG समेत असम के 6 सीनियर मोस्ट अफसरों को तलब कर लेती है। असम पुलिस की तरफ से भी मिजोरम पुलिस को नोटिस भेजा जाता है। 6 पुलिस अफसरों को पूछताछ के लिए तलब कर लिया जाता है। असम पुलिस मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलाल वेना की तलाश में दिल्ली पहुंच जाती है। यानी ये लड़ाई नहले पे दहला मारने की हद तक पहुंच गई है। एक राज्य एक्शन में आता है तो दूसरे का सुपर रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस जंग में सीमाएं पीछे छूट रही हैं, कटुता वैमनस्यता हदें तोड़ रही हैं। असम के मुख्यमंत्री पर दर्ज FIR के संगीन आरोप बता रहे हैं कि तनी तलवारें अभी म्यान में वापस नहीं होने जा रही। मिजोरम पुलिस का आरोप है कि असम पुलिस के 200 जवानों ने मिजोरम पुलिस कैंप पर धावा बोला। असम पुलिस ने जबरन मिजोरम पुलिस पर कब्जा करने की कोशिश की। असम पुलिस की तरफ से लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई। मिजोरम पुलिस को असम पुलिस की फायरिंग का जवाब देना पड़ा। असम पुलिस ने आम नागरिकों पर भी फायरिंग की जिससे हालात बिगड़े। इस FIR में जिन आरोपियों को नामजद किया गया है उनमें पहला नाम हिमंत बिस्व शर्मा का है। उधर असम सरकार मिजोरम पुलिस के खिलाफ सबूत तलाशने में लगी है। असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल उस गांव तक गए जो कि मिजोरम पुलिस की फायरिंग का निशाना बना था। असम सरकार के मंत्री का आरोप है कि मिजोरम पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। बहुत भयंकर रूप से फायरिंग हुआ है ऐसा गांव के लोगों ने बताया है। और पुलिस पे ही नहीं, जिस तरह से फायरिंग हुआ है उससे लगता है कि पागलपन में फायरिंग किया गया है। ये कोई होश में फायरिंग नहीं किया गया है। और ये गोलियां हमको गांव वालों ने दी है, इसका ये गोलियां हमको गांव वालों ने दी है, इसका फोरेंसिक टेस्ट हो और तथ्य सामने आए। असम पुलिस की एक पूरी टीम दिल्ली तक पहुंची है मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलाल वेना की तलाश में, जिन्होंने असम मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के बाद संसद के बाहर असम पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद असम पुलिस ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। असम पुलिस का आरोप है कि बॉर्डर पर हुई हिंसा की साजिश रची गई थी जिसमें मिजोरम सांसद का हाथ था। असम पुलिस के इस आरोप के बाद सांसद वनलाल वेना ने सार्वजनिक तौर पर असम पुलिस को जान से मारने की जो धमकी दी थी वो आपको सुनवाते हैं। मोर देन 200 पुलिसमैन लेड बाय IGP एंटर मिजोरम टेरिटरी। दे पास थ्रू ऑल दिस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कैंप्स एंड एंटर टू आवर पुलिस कैंप एंड दे पुश बैक आवर पुलिसमैन फ्रॉम आवर ओन पोस्ट एंड आफ्टर दैट आवर गवर्नमेंट आस्क्ड असम गवर्नमेंट to leave this post peacefully. However, they don't want to leave our post, and they gave firing order first before we fire them. They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. यानी कि दो राज्यों के रिश्ते में लगी आग में रोटियां हर तरफ से सेंकी जा रही हैं। नतीजे की परवाह किसी को नहीं, अपना अपना दामन बचाने में दोनों लगे हैं। आशुतोष मिश्रा, कछार, आज तक। और आज तक आपको असम और मिजोरम के हालात से लगातार वाकिफ करा रहा है आंखों देखी रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष वहां से लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। 5 दिन बाद हालात कैसे हैं देखिए सर। ऐसा पहली बार हुआ, दो राज्यों की सरकारें यूं तलवार ताने खड़ी हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे से यूं भिड़ गई। और ऐसा पहली बार हुआ जब दो राज्यों के बीच अविश्वास और दहशत की दीवार खड़ी हो गई।
एक आंख से सोते हैं, एक आंख से जागते रहते हैं, कहीं गोला बारी आ जाए। बॉर्डर का सामने में हम लोग ही है। उस दिन जब फायरिंग हो रहा था उधर, तो आप लोग कहाँ थे सब? हम तो घर में ही था सर। आवाज आ रही थी, पता चला। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि उस पार से लोग इधर आते हों? कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। लड़ाई हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गोली नहीं चल रहा है। जी हाँ, आज तक संवाददाता आशुतोष असम मिजोरम सीमा की जो असलियत सामने ला रहे हैं वो चिंता पैदा करने वाली है। ऐसा वाकई कभी पहले नहीं हुआ, न असम मिजोरम बॉर्डर पर, न किसी और राज्य के बॉर्डर पर। असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद असम के लोगों में काफी गुस्सा है, और वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। ये जो बॉर्डर इलाके हैं, असम और मिजोरम की सीमा से ठीक पहले लैलापुर पुलिस चौकी है। यहाँ बैरिकेड तो पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन गुस्से में लोगों ने भी यहाँ पर ब्लॉकेट लगा दिया है। ये मिजोरम नंबर की गाड़ियां हैं जिनको अब यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री के अलावा जो अधिकारी हैं उनके अलावा कोई भी इस बैरिकेड से आगे नहीं जा सकता। आपको ये भी बताएं कि मिजोरम की बहुत सारी सप्लाई असम से जाती है, और ऐसे में अब वहां पर क्राइसिस खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो इस बैरिकेड के पास लगातार जमे हैं और उन्होंने एक तरह से अघोषित ब्लॉकेट लगा दिया है मिजोरम के खिलाफ में। इधर तो फायर इधर ही हुआ था बॉर्डर पर, तो उसके बाद हमारा गाँव पर भी जाके गुल्ली गिरा है, हमारा घर पर भी 2 गुल्ली गिरा है, हम रखा है घर पे, और यहाँ का जो पब्लिक है सब भाग के इधर उधर चला गया। पब्लिक डर के मारे सब लोग भाग गए। गुरुवार को असम की तरफ से दावा किया गया कि सीमा से सटे इलाकों में उन्हें कुछ बंकर मिले हैं जिन्हें संदिग्ध मिजो अतिक्रमणकारियों ने बनाया है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक के कैमरे में भी मिजोरम की सीमा में एक बंकर रिकॉर्ड हुआ, जहां से 26 जुलाई को लाइट मशीन गन से फायरिंग आने का दावा असम कर रहा है। असम सरकार की एडवाइजरी का असर असम मिजोरम के बॉर्डर पर हर चेक पोस्ट पर साफ देखा जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हैं और मिजोरम की तरफ से आने वाली हर गाड़ी का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से एडवाइजरी और आदेश जारी किया गया है, सीमा पर जितनी भी गाड़ियां असम राज्य में प्रवेश करेंगी उनकी सघन चेकिंग होगी, और ये उस अभियान का हिस्सा है जिसमें हेमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार की ओर से यहां तक कहा गया कि शायद यह हिंसक झड़प उसी का नतीजा है जो भयानक कार्रवाई असम सरकार की ओर से ड्रग्स माफिया की ओर की गई है। हम मिजोरम सीमा से लगभग 8 किलोमीटर आगे इस चेक पोस्ट पर हैं, और यहाँ जो बंदोबस्त आप देख पा रहे हैं ये उसी आदेश के बाद हुआ है। जितनी भी गाड़ियाँ, यानी ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये असम से आने वाली हैं, और ठीक मेरी दाईं तरफ ये जो रास्ता है वो मिजोरम से आता है, यानी मिजोरम से जो भी गाड़ियाँ अब असम में प्रवेश करेंगी उनकी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। आज तक की टीम उस लैलापुर गाँव में पहुँची जहाँ 26 जुलाई की हिंसक घटना के बाद कई परिवार गाँव छोड़कर जा चुके हैं और बाकी लोग डर के साए में जी रहे हैं। हम इस समय लैलापुर गांव में हैं, और जब आप मिजोरम से असम की सीमा में प्रवेश करते हैं तो ये पहला गांव है, असम से आप मिजोरम जाएंगे तो ये आखिरी गांव है। और लैलापुर के इन गांव के लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, गोलियों की आवाज तक सुनी। चंचल गोस्वामी जैसे ये 12 परिवार हैं जो इस गांव में रहते हैं। चंचल, जब गोलीबारी हो रही थी उस समय आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? इसके बाद तो भागा हूँ, यहाँ तक गोली आया, क्या बोलते हैं, यहाँ गोली आया, मैं इधर गाय देख रहा था, मेरा ऊपर से जब गोली गया तो मैं भाग के इधर आया, इधर आके मैं फैमिली बोला गोली आ रहा है, भागो यहाँ से, भागा हूँ। सब भाग गए? हाँ, सब भागा हूँ नीचे तरफ। गोली किस लिए इधर आ रहा है? LNG का गोली इधर आ रहा था, इसलिए डर के मारे भागा हूँ, क्या करें। फिर वापस कब आए आप लोग? रात को आए, जंगल में था उधर, जंगल से रात को आया 8 बजे करीब। पहले 26 जुलाई की हिंसा और अब दो सरकार, दो पुलिस की खुलेआम टक्कर, ये मसला जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि इसका सीधा असर बॉर्डर के हालात पर पड़ता दिख रहा है। आशुतोष मिश्रा, कछार, असम मिजोरम बॉर्डर, आज तक। आज तक समाता आशुतोष मिश्रा असम मिजोरम विवाद को लेकर ग्राउंड पर मौजूद हैं। असम की तरफ से बंद जैसे हालात हैं, तो कैसे मिजोरम तक सामान पहुंच रहा है, देखिए उन्हीं की रिपोर्ट। हम इस समय त्रिपुरा की सीमा पर हैं, और चूंकि असम और मिजोरम के बीच में जितनी सीमाएं हैं असम के सभी जिलों पर ब्लॉकेट लगा दिया गया है, और अब ऐसे में मिजोरम का दाना पानी असम से बंद हो गया। लेकिन नॉर्थ त्रिपुरा में इकलौता बॉर्डर है जो मिजोरम को जोड़ता है, यहाँ से ही अब उनकी सारी रसद जारी है। आगे आप देख पा रहे हैं ये बहुत पतला ब्रिज है, बहुत छोटा सा ब्रिज है, यहाँ पर एक एक करके जो तेल के टैंकर हैं, इंडियन ऑयल के टैंकर हम देख पा रहे हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। साथ ही पीछे अगर आप देखें लंबी गाड़ियों का सिलसिला है,
ये जो गाड़ियां आप काफिला देख पा रहे हैं ये लंबा सिलसिला इसलिए है क्योंकि मिजोरम को दाना पानी, सब्जियां, अनाज, तेल, ये पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर, इन सब को अब जाने के लिए ताकि राज्य में कहीं से क्राइसिस ना हो, त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ से उन्हें रास्ता दिया गया है। कितने दिन से पहुँचा रहे हैं सामान? कल से लोड किया था, कल लोड किया था। अच्छा, और आज लेके जा रहे हैं वहाँ पे? आप पहले भी ले जाते थे यहाँ से या? फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ से लेकर के। कितना सामान है? जैसे क्या बोलते, थोड़ा है या ज्यादा है? थोड़ा है, अंडर लोड है। ये ब्रिज पार करके ताकि फिर वो मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर पाए, यानी जैसे ही मैं ये ब्रिज पास करता हूँ उस पार मिजोरम की सीमा शुरू होती है और अब जरूरत का जो सारी सप्लाई है इस ब्लॉकेट के बीच में, इकलौता बॉर्डर ये त्रिपुरा है जहां से सप्लाई जा रही है। फिलहाल त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक। और त्रिपुरा